मुंबई में होर्डिंग्स हादसे के बाद सोलापुर में होर्डिंग्स का मामला सामने आया है। मुंबई की घटना में मृतकों व घायलों की संख्या सामने आई। इसी घटना को देखते हुए सोलापुर में होर्डिंग वैध है या नहीं, वे मजबूत और अच्छी हालत में है या नहीं, तूफान में गिरेंगे या नहीं, नागरिकों की जान खतरे में है या नहीं, एक नहीं कई सवाल सोलापुर की जनता के सामने मौजूद है। इसकी सत्यता की जांच के बाद नगर निगम द्वारा हर साल हर होर्डिंग ढांचे का ऑडिट किया जाता है, जिसके बाद कहा जाता है कि संबंधित को लाइसेंस दे दिया गया है। हालांकि बताया जाता है कि बाली बेस से लेकर राजेंद्र चौक तक पुरानी इमारतों पर जानलेवा विज्ञापनों वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं। सोलापुर शहर में कुल होर्डिंग्स 80 से 100 की संख्या में है। शहर के शिवाजी चौक, संभाजी चौक, सात रस्ता, विजापुर रोड, होटगी रोड, हैदराबाद रोड और रेलवे स्टेशन परिसर में अनेक विज्ञापनों वाले होर्डिंग्स लगे हुए हैं। सोमवार को मुंबई के घाटकोपर में हुई घटना से नगरपालिका जाग गई है। इसी तर्ज पर सोलापुरकर का कहना है कि यह भी देखना जरूरी है कि सोलापुर में कई जगहों पर होर्डिंग्स है या नहीं, क्या वे वैध है, क्या वे मजबूत है और इसकी रिपोर्ट किसके पास है, यही सवाल सामने है। सोलापुर शहर में होर्डिंग्स बहुत बड़े हैं। भर चौक में कई स्थानों पर और पुरानी इमारतों पर भी लगाए गए हैं। सोलापुर के ट्रैफिक को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो होर्डिंग्स दमदार है या नहीं। ऐसे तूफान में होर्डिंग्स गिर जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल सवाल यह उठ रहा है कि आखिर नागरिकों को नुकसान न हो इसका ख्याल कौन रख रहा है? क्या नगरपालिका शहर में लगे सरकारी और गैर सरकारी होर्डिंग्स पर ध्यान देगी? सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार जाकिर हुसैन हुंडेकरी ने नगर निगम को बयान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम जम न्यूज इंडिया। जिस तरह बंबई के सड़कों पर मौत नाच रही है, उसी तरह सोलापुर के सड़कों पर भी मौत नाचने की आशंका नजर आ रहे हैं। अब ये देख रहे हैं, ये जो नजारा देख रहे हैं यहाँ पर और वहाँ पर, जब एक सोलापुर में तूफानी बारिश का हंगामा अगर मचा हो चुका है तो ये भी होर्डिंग बोर्ड उड़कर किसी बस्तियों में चले जा सकते हैं। ये बस्ती नजारा देख सकते हैं आप, ये बस्ती का जो नजारा है आप देख सकते हैं, किसी बस्ती में भी ये बोर्ड उड़कर जा सकते हैं और नागरिकों की मौत होने की आशंका नजर आ सकती है। मैं सरकार से और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मैं विनंती करता हूं कि आप इस होर्डिंग बोर्ड को सोलापुर में से सभी जगहों पर से निकाले, इसी तरह की मांग है, क्योंकि दुर्घटना होने से पहले सोलापुर के वासियों को बचाना हमारा देश का एक बहुत बड़ा आदर है।